हेलो दोस्तों, तो आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो तीसरी गुरुनीति है वो लेके आए हैं, जिसमें अपन जो आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, लैक ऑपेरॉन, उनके बारे में जो है वो क्वेश्चन उनके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। तो इसमें से अपन ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तीन गुरुनीति बना दी है, आगे की दोनों बायो मॉलिक्यूल की आएंगी। तो मेरे ख्याल से तीन गुरुनीति में अपन ने मॉलिक्यूलर के ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो सारे कवर कर लिए। तीनों सीरीज के अंदर टोटल जो एनसीईआरटी है, क्वेश्चन की जो अप्रोच है, बिल्कुल सारी अपन ने कवर कर ली, क्योंकि चैप्टर भी वो एक ही है। तो एक चैप्टर में तीन गुरुनीति बनाई है तो काफी है, वो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अपने सही लिए। हो सकता है आपको कम लगे, लेकिन एक चैप्टर में तीन गुरुनीति होगी, लगभग आपके 140 क्वेश्चन के आसपास हो गए, तो उसमें सारी चीजें कवर हो गई है। ठीक है, करें सर स्टार्ट। बिल्कुल, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस भी 86 से चल रहा है, उससे पहले अपन ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। इन यूकैरियोट्स जीन रेगुलेशन कुड बी एग्जर्टेड एट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अपन ने यहाँ पर यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन की बात की है। एक्चुअल में जो यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन है, वहां पर देखो बिल्कुल सिंपल बातें करेंगे अपन। इस जीन रेगुलेशन के अंदर काफी स्टेटमेंट है, जीन रेगुलेशन एक अच्छा टॉपिक भी है, जिसके अंदर उन्होंने काफी मैटर भी दिया है। तो एक बार थोड़ा सा इनको जीन रेगुलेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं, दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ताकि आगे क्वेश्चन आए तो अपन कवर कर लें। तो यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन की बात करें तो वहां पर क्लियरली दे रखा है, जो यूकैरियोट्स है वहां पर जीन रेगुलेशन जो है वो 4 लेवल पे होता है। बिल्कुल, 4 लेवल में बात कर रहा हूं पहले किसकी, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन की। और जो 4 लेवल है वो है आपके, पहला जो है वो तो है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। बिल्कुल, जैसे आरएनए का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। और दूसरा दे रखा है वहां पर प्रोसेसिंग लेवल, प्रोसेसिंग लेवल। और थर्ड जो है वो है आपका ट्रांसपोर्ट लेवल, एमआरएनए का जो ट्रांसपोर्ट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म। और जो फोर्थ लेवल है वो है ट्रांसलेशनल लेवल। और मेरे ख्याल से जो 4 लेवल है ये प्रोकैरियोट में नहीं होंगे, ये यूकैरियोट में होंगे। उसका रीजन है क्योंकि यूकैरियोट के अंदर स्प्लिट जीन होती है। बिल्कुल, तो जो स्प्लिट जीन है वो एक्सप्रेस होगी, तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या बनेगा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एचएनआरएनए, फिर उसकी होती है प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्ट होगा एमआरएनए का, देन फाइनली ट्रांसलेशन। तो सिंपल आपको याद रखना कि यूकैरियोट्स में आप 4 लेवल पे जीन रेगुलेशन कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी बताया है। आप इसने पूछा है सिंपल, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन रेगुलेशन कुड बी एग्जर्टेड एट, तो ऑब्वियसली यहां पर ट्रांसक्रिप्शन लेवल भी है, प्रोसेसिंग लेवल भी है और ट्रांसलेशनल लेवल भी है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका इजीली 4। एक बात जो है क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रखी है, ये ट्रांसपोर्ट वाला, तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इसलिए हो पाएगा बिकॉज यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होने की वजह से ये जो अपने पास में आरएनए बनता है, पहले साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होगा, बिल्कुल, और फिर यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण हुआ है। बिल्कुल, तो यहाँ पे आंसर 4th ऑप्शन हो गया। बिल्कुल, और अपन ने ये तो बात की है प्रोकैरियोट की, लेकिन यूकैरियोट की, सॉरी, और प्रोकैरियोट की अगर बात करें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट में तीनों प्रोसेस जो है इस लेवल पे आप रेगुलेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोकैरियोट में एक तो आपने बताया जैसे न्यूक्लियस है ही नहीं, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेवल भी नहीं होगा, वहाँ प्रोसेसिंग में नहीं होती, क्योंकि प्रोकैरियोट में जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है वो क्या होता है, एमआरएनए, एंड एमआरएनए नॉट नीड ऑफ प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, तो वहां पर डायरेक्टली एमआरएनए बन रहा है, तो यहाँ पर तीनों प्रोसेस नहीं होंगे। तो प्रोकैरियोट में जैसा कि मेंशन भी कर रखा है एनसीईआरटी में, जो डोमिनेंट लेवल है रेगुलेशन का वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आपको फोकस करना है, तो यहाँ आंसर अपना सिंपल है, 4th आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीन रेगुलेशन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज रेगुलेटेड बाय मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल कंडीशन। बिल्कुल ये एनसीईआरटी की लाइन है, तीनों ही फैक्टर जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल, स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, करेक्ट है, जैसा सर ने बताया मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एनवायरमेंट, तीनों ही जो है जीन रेगुलेशन को अफेक्ट करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसके अकॉर्डिंग जो है जीन को रेगुलेट किया जाता है, आइदर स्विच ऑफ और स्विच ऑन, तो ये तीनों कंडीशन जो है उसके लिए इफेक्टिव है। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर आल्सो ए रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन्स। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है यहां पर, बिल्कुल करेक्ट है। जीन्स इन ए सेल आर एक्सप्रेस्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शंस। ओके, जेकब एंड मोनोड वर फर्स्ट टू इल्यूसिएट ए ट्रांजिशनली रेगुलेटेड सिस्टम इन ई कोलाई। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बिल्कुल, आंसर भी होगा क्योंकि उसने ट्रांसलेशनली लिखा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली जो ओपेरॉन थे इकोलाई में, जो उन्होंने डिस्कवर किया था लैक ओपेरॉन था, और लैक ओपेरॉन जो अभी जैसा बताया प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो वो ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड है ना कि ट्रांसलेशनली रेगुलेटेड है। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है, तो आंसर अपना हो जाएगा 4th। बिल्कुल, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीन ऑफ लैक ओपेरॉन कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस ऑल द टाइम, लेक आई जीन, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, ऑल ऑफ दी। तो अपने को पता है कि जो लेक आई जीन है उसका फंक्शन तो है रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करना,
अब रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन तो कंटिन्यूसली होगा, लैक्टोज चाहे आए या लैक्टोज चाहे नहीं आए, लेक आई जीन है वो अपना रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता ही रहेगा, चाहे लेक ओपेरॉन ऑन हो चाहे लेक ओपेरॉन ऑफ। बिल्कुल, और इंपॉर्टेंट जैसे सबने बताया इसका जो एक्सप्रेशन है वो कंटिन्यूस होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है जनरली क्या होती है जिनमें ऑपरेटर नहीं होता, और वहाँ डायग्राम भी दे रखा है जो लैक आई जीन है जैसे अपन बात करें तो वहां पर उसका प्रमोटर है और ये है लैक आई जीन। तो बच्चों याद रखना जिस जीन के पास ऑपरेटर नहीं होगा उसका आप रेगुलेशन नहीं कर पाओगे, तो इसका जो एक्सप्रेशन है जो लैक रिप्रेसर प्रोटीन है वो हमेशा बनती रहती है। तो याद रखना बिना ऑपरेटर की जीन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, जो हाउसकीपिंग जीन भी कहलाती है, जैसे अपने रेस्पिरेटरी एंजाइम को कोडिंग करने वाली जीन भी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है, हाउसकीपिंग जो हमेशा ऑन रहती है, हमेशा एक्टिव, हमेशा ऑन रहती है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन भी अच्छा बनाया है, लैक आई जीन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन रिप्रेसर प्रोटीन इज इनएक्टिवेटेड बाय द इंटरेक्शन विद, तो यहां पे आंसर लैक्टोज हो सकता है, ग्लूकोज भी होगा, एलोलैक्टोज भी हो सकता है, तो आंसर यहां पे हो गया फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल, जैसा ने बताया लैक्टोज और लैक्टोज दोनों ही क्या है, इंड्यूसर है, बिल्कुल लैक ऑपेरॉन इंड्यूसर है, दोनों ही जैसे बाइंड होंगे किसके साथ, लैक रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, वो हो जाएगी इनएक्टिव, और इनएक्टिव होगी तो ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड नहीं होगी, बाइंड नहीं होगी तो जो लैक ऑपेरॉन है वो स्विच ऑन हो जाएगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी कई बार नीट में आया हुआ है, तो उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ये दोनों क्या है, इंड्यूसर है, और ये इंड्यूसर का काम क्या है, लैक रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट करना। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि लैक्टोज क्या करता है, तो पॉजिटिव रेगुलेशन करता है, पॉजिटिव इसको ऑन कर देगा, ऑन करेगा, इंड्यूसर का काम करेगा, स्विच ऑफ से इसको स्विच ऑन करवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, नेक्स्ट 90, इन लैक ऑपेरॉन द जेड जीन कोड्स फॉर ए, तो जेड जीन जो है यहाँ पर किसको कोड करता है, बीटा ग्लाइकोसाइड्स को कोड करता है, व्हिच इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द बी, तो हाइड्रोलिसिस से करता है, लैक्टोज से करता है, तो आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो गया, लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज में गैलेक्टोज के अंदर, हो जाएगा एंजाइम है, और इसका किसका जल अपघटन करवाएगा, लैक्टोज का। ऑब्वियसली जो लैक ऑपेरॉन है वो लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें लैक्टोज इंड्यूसर का काम भी करेगा और लैक्टोज ही सब्सट्रेट है जिसको तोड़ा जाएगा, जिसका जल अपघटन होगा ताकि लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज को अपन सेपरेट करें और ग्लूकोज जो एटीपी फॉर्मेशन में एंटर हो जाए। लैक्टोज यहां पर ऐसे बोलता है कि आप बेल मुझे मार, बिल्कुल खुद ही इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, खुद ही ब्रेक हो रहा है, वो अपना ब्रेक डाउन करवा रहा है, लेकिन बैक्टीरिया के लिए क्या हो गया, ये बहुत अच्छी बात होगी, एसेंशियल होगी। नेक्स्ट, इफ ए ई कोलाई सेल्स विद म्यूटेंट लैक जेड जीन आर ग्रोइंग इन नॉर्मल मीडियम विद ग्लूकोज, दे आर ट्रांसफर्ड टू ए मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज ए सुगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंज टेक प्लेस, द लैक ऑपेरॉन इज इंड्यूस्ड, ये बिल्कुल यहां पर सही है, ई कोलाई सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग, उसमें डिविजन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है लैक जेड जीन क्या है, घटित क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है उसका डिविजन नहीं होगा, सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं कर पाएगी, लैक ऑपेरॉन इज रिप्लेस्ड, इस पे भी नहीं जा पाओगे आप, ऑल ऑपेरॉन आर इंड्यूस्ड, ये भी नहीं होगा, ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, जीन्स दैट आर इन्वॉल्वड इन टर्निंग ऑन और ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स आर कॉल्ड, तो स्ट्रक्चरल जीन यहां पे कौन से हो गए, रेडंडेंट जीन्स हो गए, रेगुलेटरी जीन्स हो गए, पॉलीमॉर्फिक है, प्रमोटर है, तो जीन्स दैट आर इन्वॉल्वड इन टर्निंग ऑन ऑफ, ये यहां पे हो गया रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी इसको रेगुलेट करेगा, और भी कर सकता है, हां लैक ऑपेरॉन में एग्जांपल भी है लैक आई जीन का, जो ऑन और ऑफ में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपेरॉन कांसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रोकैरियोट्स, तो बिल्कुल ये जो ऑपेरॉन का कांसेप्ट है ऑल प्रोकैरियोट्स के लिए होता है, ऑपेरॉन पाए किस में जाते हैं, प्रोकैरियोट में, याद रखना ऑपेरॉन्स जो होते हैं वो होते हैं पॉलीसिस्टोनिक जीन्स, पॉलीसिस्टोनिक जीन्स सिर्फ प्रोकैरियोटिक में होते हैं, बिल्कुल यूकैरियोटिक में होते हैं मोनोसिस्टोनिक जीन, ये भी अच्छा पॉइंट है जो मॉलिक्यूलर में दे रखा है, जैसे सर ने बताया प्रोकैरियोट्स में होंगी पॉलीसिस्टोनिक, यूकैरियोट में होंगी मोनोसिस्टोनिक, और जो पॉलीसिस्टोनिक जीन है एक्चुअल में उनका रेगुलेशन, उनका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो एक ही प्रमोटर के द्वारा होता है, तो यहाँ पर आपको ओपेरॉन जो है उनका रेगुलेशन देखने को मिला था, और इंपॉर्टेंट है ओपेरॉन फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स, अपने अंदर यूकैरियोट्स के अंदर ओपेरॉन एब्सेंट, एब्सेंट, तो यहाँ पर आंसर सीधा सा हो जाएगा ऑल प्रोकैरियोट्स।
वॉट इज ट्रू फॉर ई कोलाई विद इनएक्टिवेटेड लेक एजिन। तो यहाँ पर जो लेक एजिन है ये यहाँ पर इनएक्टिव हो चुका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लेक यहाँ पर तीन जीन होते हैं जेड वाई और ए। ए जीन यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है ट्रांस एसिटिलेज के फॉर्मेशन के लिए। अगर ए जीन इनएक्टिव हो गया तो फिर कह सकते हैं कि जो ट्रांस एसिटिलेज है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखा है दे कैन नॉट सिंथेसाइज परमेस, परमेस तो बनेगा बिकॉज वो तो वाई से बनता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा ग्लूटामेट में बन जाएगा। दे कैन नॉट सिंथेसाइज ट्रांस एसिटिलेज, तो यहाँ पे आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। और ये अब की बार क्वेश्चन भी ये आया था नीट में, जेड जीन किसको कोड करती है, वाई किसको करती है, ए किसको करती है, जैसे सर ने आपको बताया, याद भी रखना है इसको एज इट इज क्वेश्चन भी आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज ए डेफिनेट रीजन इन ई कोलाई डीएनए वेयर्स द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ओरिजिन का फंक्शन क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। द वेक्टर्स इन आर डीएनए प्रोसीड्स प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। स्प्लिट जीन आर फाउंड इन यूकेरियोट्स, इंट्रोन्स आर फाउंड इन प्रोकेरियोट्स। प्रोकेरियोट्स में कभी स्प्लाइसिंग नहीं होती है बिकॉज़ वहां पे इंट्रोन्स होते ही नहीं है, इंट्रोन सब्सटेंट होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ये यहां थर्ड ऑप्शन में दिया स्प्लिट जीन आर फाउंड इन यूकेरियोट, स्प्लिट जीन जो है उसमें इंट्रोन होते हैं और जो यूकेरियोट में प्रेजेंट होती है, स्टेटमेंट करप्ट हो गया। यहां पर भी सिंपल बात बोली है, जो आरडीएनए है अपन जो प्रोड्यूस करवा रहे हैं ड्यूरिंग बायोटेक्नोलॉजी, तो आरडीएनए क्यों प्रोड्यूस करा रहे हैं, ताकि वो जो वेक्टर है वो अपने डिजायर्ड जीन को ओरिसाइट प्रोवाइड करवा दे, ताकि उसका इजीली क्या हो जाए वहां पर रेप्लिकेशन और उसका एक्सप्रेशन। बिल्कुल, ये बाकी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पूछा क्या है आपको इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एबीसी गिवन फिगर। तो यहाँ पर अपने पास में ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है, ये अपने पास पर टेम्पलेट स्टेट है, ये अपने पास कोडिंग स्टेट है, ए प्रमोटर हो जाएगा, ये टर्मिनेटर हो जाएगा, ये बी है वो डी है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन तो पूछा अपने को ए के बारे में है, एबीसी के बारे में पूछा है, ए यहाँ पे प्रमोटर, बी यहाँ पे हो जाएगा अपना स्ट्रक्चरल जीन और सी यहाँ पे हो जाएगा टर्मिनेटर। ये यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यहाँ डायग्राम में तो बताया जाता है, जो प्रोमोटर है वो आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट है, बिल्कुल, और ये जो आपका स्ट्रक्चरल जीन है इसके पास इंफॉर्मेशन होती है आरएनए के लिए, और टर्मिनेटर जो है वो क्या करेगा ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन फॉलोइंग डायग्राम ऑफ लैक ओपेरोन आइडेंटिफाई ए। तो ये अपने पास में एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो इस इनएक्टिव ये जो रिप्रेसर है इसको इनएक्टिव कर रही है, तो ए अपने पास में क्या होगा लैक्टोज होगा जो कि पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा, आंसर यहाँ पे अपने पास में हो गया लैक्टोज। बिल्कुल, ये डायग्राम में देखो लैक ओपेरोन का पूरा अपन ने ले लिया है, और यहाँ पर एक बार समझा देते हैं, ये आपका जो केस लिया है वो है आपका केस सेकंड दूसरे वाला, जिसमें आपको क्या करना है ओप से लैक ओपेरोन को क्या करना है ऑन करना है, और वहां बड़े देखो सिंपल स्टेटमेंट लिखे हैं एनसीईआरटी में, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, यहाँ कौन सा केस है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जैसे सर ने बताया ये कौन है लैक्टोज, इंड्यूसर है ऑब्वियसली, अभी क्वेश्चन भी आया थोड़ी देर पहले सर, इंड्यूसर जाएगा और ये जो लैक रिप्रेसर प्रोटीन उसको क्या कर देगा इनएक्टिवेट इनएक्टिव कर देगा, ऑपरेटर क्या हो गया फ्री, ट्रांसलेशन होगा तो ऑब्वियसली ये पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, जिसका फर्दर अगर ट्रांसलेशन करवाओगे तो तीन टाइप के एंजाइम बनेंगे, तो ये पॉजिटिव रेगुलेशन को जो है समझा रहा है कि आपने क्या कर दिया उसको ऑन करवा दिया। और यहाँ से जनरली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ये इसमें जैसे अपन बताया जेड जीन है वाई है, इसका सीक्वेंस याद रखना है, कौन कौन से एंजाइम को कोड करती है याद रखना है, दैट इज द लैक आई जीन, यहाँ पर आई का मतलब दे रखा है इनहिबिटर से होता है, तो सारे स्टेटमेंट आपको कवर करने, जो यहाँ पे आपको कंफ्यूज भी करेगा कि आई का मतलब यहाँ पर इंड्यूसर है या इनहिबिटर, तो आई का मतलब यहाँ पे इनहिबिटर होगा, इंड्यूसर तो यहाँ पर लैक्टोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट कोडोन एयूजी कोड फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन इन बैक्टीरिया एनिमल फंजा या ऑल ऑफ, अपने को पता है कि जो स्टार्ट कोडोन एयूजी वो किसके अंदर करता है मेथियोनिन को, बैक्टीरिया में कर देता है, बिल्कुल यहाँ लिखा है फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन, बिल्कुल। तो ये जो एयूजी है इसमें थोड़ा सा दो केस हैं, एक तो बात करें अपन यूकैरियोट की, दूसरा बात करें प्रोकैरियोट की, दोनों याद रखने आपको। अगर ये स्टार्ट कोडोन है एज ए स्टार्ट कोडोन तो यूकैरियोट में हमेशा किसको कोड करेगा ये मेथियोनिन को, और प्रोकैरियोट में एज ए स्टार्ट कोडोन ये एफ मेट को कोड करेगा फॉर्मुलेटेड, लेकिन प्रोकैरियोट में एक एक्सेप्शन है जो है आर की बैक्टीरिया, तो आर की बैक्टीरिया में भी यूकैरियोट की तरह कौन आएगा मेथियोनिन, तो यहां पर आर की बैक्टीरिया और यूकैरियोट में क्या है सिमिलरिटी है, जनरली डायबिटीज में पढ़ते हैं कि कुछ सिमिलरिटी होती है, आर की बैक्टीरिया में कुछ जीन है जहां पर इंट्रोन्स मिलते हैं, स्टोन प्रोटीन मिलती है जो यूकेरियोट के साथ समानता को प्रदर्शित करती है, यहां सिंपल आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। नेक्स्ट, प्राइमरी स्टेप फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन फॉर ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग।
तो रेगुलेशन के लिए जो प्राइमरी स्टेप है, जो पहला स्टेप है, वो अपने पास में होगा ट्रांसक्रिप्शन। अभी बात की थी अपने लेवल, पहले ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है। यूकैरियोट है तो चार लेवल है, और प्रोकैरियोट है तो केवल ही क्या होगा फिर ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है, लैग ऑपेरॉन इज द प्रोटोटाइप ऑपेरॉन इन बैक्टीरिया व्हिच कंटेन जीन्स रिस्पांसिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ गैलेक्टोज, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज या ऑल ऑफ दिस। तो अपन यहां पे कह सकते हैं आंसर होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, बिकॉज जो लैक्टोज है उसी को ब्रेक करने के लिए एक ऑपेरॉन होता है। बिल्कुल, उसका कैटाबॉलिज्म करेंगे, जैसे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर पाए। तो यहां आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। इन फॉलोइंग डायग्राम ऑफ लैग ऑपेरॉन आइडेंटिफाई एबीसी। तो यहां पे जो डायग्राम बेसिकली यहां पे सा टाइप वही होगा, ये अपने पास में है ए, ये इस पे बी मेंशन किया हुआ था, ये यहां पर सी है। तो ये ए बी सी जेड वाई ए जीन है वो किसको शो करते हैं, बिल्कुल अपन देख लेंगे। इसमें जो जेड है वो शो करेगा बीटा ग्लाइकोसाइडेस एंजाइम को, वाई करेगा परमीएज को, और ए करेगा ट्रांस एसिटेज को। बिल्कुल, एक कॉन्सेप्ट बताया आपको कि आपको याद रखना है, इनको लेबल कर दिया आपने एबीसी, यहाँ लेबलिंग नहीं है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। तो आप इतना याद रखना है, ये पूछ रहा है ए बी सी, और ऑब्वियसली इसको ऐसे याद रखना है कि जेड जो है किसको कोड कर रहा है, वाई किसको कर रहा है, ए किसको कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर पे जा सकते हो। थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट होगी, थोड़ा करेक्शन हो गया, लेकिन हमने बता दिया आपको एबीसी को रेस्पेक्टिवली आप क्या करोगे। नेक्स्ट 102, द रेगुलेशन ऑफ लैग ऑपेरॉन बाय रिप्रेसर is referred to by repressor. तो repressor जो होगा वो लैग ऑपेरॉन को ऑफ करता है, ऑफ करेगा, इसका मतलब ये कर देगा नेगेटिव रेगुलेशन। जैसा अभी बताया था, अगर ऑफ है, ऑफ को ऑन कर रहे हो, तो इंड्यूसर तो क्या कर रहा है, पॉजिटिव रेगुलेशन करेगा, और जो रिप्रेसर है वो क्या करेगा, उसको ऑफ करके रखेगा। तो ये हो गया आपका नेगेटिव रेगुलेशन, तो आंसर हो जाएगा ऋणात्मक नियम। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लैग ऑपेरॉन रेगुलेशन इंड्यूसर बाइंड विद ए, regulation inducer bind with A, this allow B access to promoter and transcription proceed. तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो inducer है वो attach किसके साथ होगा, repressor के साथ, repressor के साथ में, this allow B access to promoter and transcription process. तो यहाँ पे हो गया RNA polymerase। ये यहाँ देखो, इसको यहाँ set कर दो, अपने आप statement जो है पूरा cover हो जाएगा। वहाँ पर sir mention कर दो A में आप जो है इसलिए वहां पे क्या करता है, वो एक दो वर्ड्स को गायब कर देता है। बिल्कुल, फिर उसी से ऑप्शन बना देता है, वहीं से बनाएगा। एनसीईआरटी से बाहर कुछ आना नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जो है उसको छोड़ना नहीं है, सीधी सी बात। नेक्स्ट 104, एचएनआरएनए अंडरगोस एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू 5 बेस एंड ऑफ एचएनआरएनए दैट इज। तो यहां पर जो कैपिंग होती है, जैसे कोई भी अपने पास जो एचएनआरएनए होता है उसमें जो 5 डेज पार्ट है वहां तो होती है कैपिंग, और जो 3 डेज पार्ट है यहां पे होती है टेलिंग। तो कैपिंग में हम लोग क्या ऐड करते हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करते हैं, और जो यहां पे टेलिंग है हम यहां पे पॉलीएडीनिन को अटैच कर देते हैं। बिल्कुल, तो यहां पे आंसर हो गया इसका फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल, इसमें तीनों स्टेप एक बार सर यहां आया है तो बता ही देते हैं। बिल्कुल, जो तीनों स्टेप है, जैसे फर्स्ट स्टेप होती है सर ने बताया 5 प्राइम, बिल्कुल कैपिंग, उसके बाद में स्प्लाइसिंग करवाएंगे, फिर बाद में जैसे कंप्लीट हो जाएगा आरएनए जो थर्ड स्टेप है वो हो जाएगी 3 प्राइम टेलिंग। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 5 प्राइम कैपिंग में, लेकिन इंपॉर्टेंट देखो इन्होंने लिखा है अनयूजुअल, ये अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि जो यूजुअल न्यूक्लियोटाइड होगा तो होगा गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन यहां पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए क्या हो गया है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूजुअल, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं MGPPP। तो यहां पर देखो 3 फॉस्फेट ग्रुप है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में और इसके बीच में, तो ये अनयूजुअल बाइंडिंग भी हो गई। इसके अलावा जो स्प्लाइसिंग है वहां पर सिंपल है, इंट्रॉन्स को क्या करना है रिमूव करना है, और जो एक्जोन एक्जोन उनको डिफाइनिंग मैनर में क्या करना है कनेक्ट करना है, तो स्प्लाइसिंग में हो जाएगा। और जो टेलिंग है सर ने बताया पॉली एडिनाइलेशन करेंगे, उसमें बहुत सारे एडिनाइलेट ग्रुप को क्या करेंगे अटैच करेंगे, 200 to 300 कैपिंग प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी। जो स्प्लाइसिंग है वो इंट्रॉन को हटाएगी, तो आरएनए क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा, ताकि उसमें नॉन कोडिंग पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा। और जो टेलिंग है जो उसमें लॉन्ग टेल बनाई जाती है वो भी जब साइटोप्लाज्म में जाएगा तो थोड़ा प्रोटेक्शन करेगी, ताकि उधर से डाइजेशन हो, तो एमआरएनए जो ट्रांसलेशन के बाद क्या हो डाइजेस्ट हो। और कई बार बोलते हैं सर जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसके बाद में एमआरएनए का क्या होता है,
जो ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद एमआरएनए को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया जाता है, तो वापस से उसके न्यूक्लियोटाइड वापस रीफॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो ये तीनों स्टेप हैं, यहां से भी जनरली नीट में क्वेश्चन आता रहता है, तो इनको भी याद रखना है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग चेन एलोमिनेशन पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फर्स्ट एंड एमिनो ग्रुप ऑफ सेकंड एमिनो एसिड बाय, तो यहां पर एंजाइम का नाम पूछा है अपने को, पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो करते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफर। ये भी एनसीईआरटी से अपन निकाला क्वेश्चन, पेप्टाइड ट्रांसफरेज जो है वही तो है राइबो। बिल्कुल, राइबोजाइम। उस राइबोजाइम को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड ट्रांसफरेज, क्योंकि वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और राइबोजाइम जो है वो पहले भी आ चुका है, एक तो होता है 23S आरआरएनए आरआरएनए और एक होता है 28S आरआरएनए। 23S आरआरएनए जो होता है वो 70S राइबोसोम में होता है, ये होता है 80S राइबोसोम में। तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है सर, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जो है डिजाइन कर देता है, तो सारी बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ आंसर आपका सिंपल है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज, तो अपने पास में जो डीएनए है उससे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम लोग बोल देंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट, इन द लैकोपेरोन सिस्टम बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज कोडेड बाय, तो यहाँ पर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है अपने को पता है, अभी बात की थी अपने जेड जीन का, बार बार वही क्वेश्चन अपन रिपीट करवा रहे हैं क्योंकि उनसे बार कुछ आता नहीं है। और इस छोटे से चैप्टर में आपको जो है तीन गुरुनीति दे दी है, तो अपन कोशिश क्या कर रहे हैं ताकि रिपीट भी हो, ताकि वो चीजें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए दिमाग चलाने के लिए। तो यही वापस सर ने बताया, जेड जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ए जीन है तो ट्रांस हो जाएगा ट्रांस एसिटाइलेज, और वाई जीन है तो हो जाएगा परमियंस। मेरे ख्याल से आप गुरुनीति में बच्चों को रिविजन करने की जरूरत भी नहीं, याद हो जाएगी। बिल्कुल। Consider the following statements. rRNA provides the template for synthesis of protein. तो यहाँ पे rRNA नहीं होता, यहाँ पे mRNA होता है। यहाँ देखो, यही गड़बड़ हो गई। mRNA जो है template काम करता है, rRNA template नहीं। जी बताता। tRNA brings amino acids and reads the genetic code. बिल्कुल सही। जो tRNA के अंदर आप कह सकते हो कि जो reading site है, वो वहाँ पर जो mRNA है उसको रीड करती है, और फिर जो वहाँ पर एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है वो अपने ऊपर एमिनो एसिड को अटैच कर लेती है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, तो बिल्कुल यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड इंट्रोन, नो इट इज नॉट इंट्रोन, एक्सोन एक्सोन होता है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब पूछा गया उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड। Next, the protein required for the transport of beta galactosidase across the cell membrane in E. coli is allolactose, transcriptase, permease या फिर beta galactosidase। तो पर कह सकते हैं कि साहब transportation के लिए जो permeability होती है उसको increase कौन करता है, permease। permease increase करेगा, ये function भी हो गए। बिल्कुल। जैसे पहले बताया था beta galactosidase digestion करेगा। बिल्कुल। permease जो है वो permeability को increase करेगा। जैसे अपन bacteria की बात करें तो यहाँ पे बैक्टीरिया अगर मीडियम में पड़ा है, ऑब्वियसली मीडियम में अपन बोल रहे हैं कि बाहर क्या है, लैक्टोज पड़े हैं, बहुत सारे लैक्टोज पड़े हैं, तो जो परमीएज है वो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, इनकॉर्पोरेट होगा और मेम्ब्रेन के थ्रू जो है लैक्टोज को अंदर एंटर करवा देगा। और यहाँ पर कई बार वो दिमाग लगा लेता है कि कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, और वो भी होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन की हेल्प से जो लैक्टोज है वो अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लेस कंसेंट्रेशन की ओर ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल किसका होगा, फैसिलिटेटेड या सुसाध्य विश्रम का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाए तो आप भी अपन। और यहाँ पर एक बात लिखी हुई एनसीईआरटी ने कि ये जो लैक ओपेरोन है वो बहुत ही लो लेवल के ऊपर हमेशा स्टार्ट करता है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर परमीएज काम ही नहीं करेगा तो लैक्टोज अंदर आएगा कैसे, तो लो लेवल पे स्टार्टिंग जरूरी। बिल्कुल, बैक्टीरिया जो है लो लेवल पे एक्सप्रेशन करवाएगा ताकि कुछ अमाउंट में परमीएज पहले से प्रेजेंट हो, अदरवाइज नहीं होंगे तो लैक्टोज एंटर भी नहीं हो पाएगा। जैसे सर ने वो स्टेटमेंट बताया, काफी इंपॉर्टेंट है, अलग से मेंशन कर रखा है ब्रैकेट में, इसका मतलब लो लेवल पे एक्सप्रेशन थोड़ा थोड़ा होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोजाइम इज, राइबोजाइम क्या है, एन एंजाइम, बिल्कुल एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड है, बायोकैटलिस्ट भी है, तो आंसर यहां पे हो गया ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, इधर है एक्सोन कैपिंग टेलिंग प्रोमोटर साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज का कौन बाइंड करता है, प्रोमोटर, यहां से ये मैच कर देते हैं, प्रमोटर इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए कोडिंग सीक्वेंस, तो कोडिंग सीक्वेंस किसके पास में होती है, एक्सोन के पास में होता है, एक्सोन। फिर है लैगिंग स्ट्रैंड, तो लैगिंग स्ट्रैंड यहां पर जो है किसी के साथ मैच नहीं करेंगे, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैपिंग में, अभी जस्ट बताया था ये कैपिंग हो जाएगा। फिर है एंटीनाइलेट रेसिड्यूज, ये अपने पास में होते हैं टेलिंग के अंदर,
बिल्कुल सारे अपन ने मैच कर दिए, उस मैचिंग के अकॉर्डिंग जो है आप आंसर पे जा सकते हो। और यहाँ पर देखो अपन ने फंक्शन पे भी बात कर ली, और फंक्शन वो मतलब जैसा आपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर एक क्वेश्चन जो है उसमें हर एक ऑप्शन जो है वो अपने आप में भी एक है स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, और ऐसे याद रखना पड़ेगा भाई। अपने पास में मान लो कि एक क्वेश्चन नहीं, अपने पास चार क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, चार इन्फॉर्मेशन जो है मिल गई है बच्चे को, और नीट वाला पता नहीं कौन सा क्वेश्चन उठा ले, किसका फंक्शन पूछ ले, तो आपको इस तरह से ही स्टडी करनी होगी हर क्वेश्चन पे, ये फोकस करना है कि लेकिन सारी चीजें कवर करना। पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो या तो आप अपने इस क्वेश्चन में से आ जाएगा या अपने ऑप्शन में से, कोई ना कोई ऑप्शन से निकाल लेगा। बिल्कुल, मैटर है इतना अपने एनसीईआरटी में। नेक्स्ट, द लैकोपेरोन इज टर्न्ड ऑन व्हेन एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल्स बाइंड्स टू, तो अपने पास जो एलोलैक्टोज बाइंड किससे होगा, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में बाइंड होगा, तभी जो लैकोपेरोन है वो ऑन हो पाएगा। बिल्कुल, रिप्रेसर प्रोटीन को जो है इनएक्टिवेट कर देगा, बिल्कुल ऑन हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो यहां पर सीधा सर रिप्रेसर प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड डेवलप्ड बाय, तो ये जो मेथड है वो सबसे पहले डेवलप किसने किया था, फ्रेडरिक सेंगर ने, सेंगर ने किया था, ये साइंटिस्ट का नेम दे रखा है और इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। जो फ्रेडरिक सेंगर है उसने सबसे पहले ऑटोमेटेड डीएनए जो सीक्वेंस मेथड है, और ये सेंगर वही है जिसने प्रोटीन सीक्वेंसिंग भी इसने डेवलप की थी। बिल्कुल, प्रोटीन जो सीक्वेंसिंग मेथड है वो भी सबसे पहले सेंगर ने डेवलप किया था, और जो सबसे पहले सीक्वेंस जो प्रोटीन की वो थी इंसुलिन, इंसुलिन जो है फर्स्ट सीक्वेंस प्रोटीन है, तो इसको नोबेल प्राइज भी सर एक से ज्यादा बार मिला है डीएनए मेथड के लिए भी, और यहाँ पर प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड के लिए भी इसको नोबेल प्राइज मिला है, और बहुत कम साइंटिस्ट होते हैं जिनको नोबेल प्राइज एक से ज्यादा बार मिला है, बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है, और ये काफी जगह पे आएगा आपके, यहाँ पर भी दे रखा है प्रोटीन सीक्वेंसिंग, काफी फेमस साइंटिस्ट है। नेक्स्ट, इन यूकेरियोटिक जीन कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड इंट्रॉन एक्सॉन रेगुलेटरी सीक्वेंस या रिपीटेड, आपने बताया कि जो कोडिंग सीक्वेंस है अपने पास में हो गई एक्सॉन, एक्सॉन यहाँ थोड़ा बता देता है, रिपीटेड डीएनए कौन होता है जिसमें बार बार रिपीटेशन होते हैं, जैसे मान लो एटीजी, एटीजी तो ये बार बार अगर रिपीट हो रहा है कोई सीक्वेंस तो ये रिपीटिव हो गया, और याद रखना रिपीटिव डीएनए कभी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, इसमें कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, थोड़ा दे भी रखा है डीएनए फिंगरप्रिंट, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता है डीएनए। बिल्कुल, और रेगुलेटरी जो सीक्वेंस है वो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, उनका कोई ना कोई रेगुलेशन में रोल होता है। इंट्रॉन बताया आपको नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, और एक्सॉन क्या है, कोडिंग सीक्वेंस, और इन दोनों को डिफाइन भी कर रखा है एनसीईआरटी में, स्टेटमेंट भी रीड करने पड़ेंगे। बिल्कुल, जो पॉलीसिस्टोनिक मोनोसिस्टोनिक है वहां पर दोनों को डिफाइन कर रखा है, जैसे बात करें अपन इंट्रॉन जो है वो कभी भी एमआरएनए में अपीयर नहीं होंगे, लेकिन जो एक्सॉन है वो एमआरएनए में अपीयर होते हैं, वहां पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया है, इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन एमआरएनए बट एक्सॉन अपीयर इन एमआरएनए और प्रोसेस्ड आरएनए और द मैच्योर आरएनए, तो सारे स्टेटमेंट एक एक करके आपको रीड करने हैं। नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्गली मैच्ड पेयर हरगोविंद खुराना सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स केमिकली, जॉर्ज गेमो कोडोन इज ट्रिपलेट, मेजल्स एंड स्टाल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, नहीं ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, जो मेजल्स एंड स्टाल है उन्होंने बताया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमीकंडक्टिव मेथड से एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये साइंटिस्ट भी इसलिए डाले हैं कि इनका भी जो है थोड़ा सा आपको जिक्र कर दें, हरगोविंद खुराना जो साहब थे उन्होंने क्या किया था, देखो यहाँ लिख रखा है जो आरएनए अणु है उनका निर्माण किया था, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है रासायनिक विधि द्वारा, ये केमिकली उनका सिंथेसिस किया था। वहां पर एक साइंटिस्ट और है सर सेवेरो ओकावा, उसने एंजाइम की सहायता से आरएनए का निर्माण किया था, लेकिन इसने रासायनिक विधि से आरएनए बनाया था। जॉर्ज गेमो जो है इंपॉर्टेंट है, उसने कोडोन का कॉन्सेप्ट दिया था, उसने बताया था सबसे पहले कि ये ट्रिपलेट नेचर के होते हैं, लेकिन ट्रिपलेट नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था नीरेनबर्ग ने, मिजेलसन स्टोल ने बता दिया, अभी सेमीकंडक्टिव मोड ऑफ एप्लीकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था फ्रेडरिक सेंगर, अभी जस्ट अपने जस्ट सर थोड़ी देर पहले बोला भी था, किसने प्रोटीन सीक्वेंसिंग बताई थी, आ गया क्वेश्चन में अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग, तो साइंटिस्ट के थोड़े से नाम पे फोकस करना कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट, इन यूकेरियोट आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्रिप्ट एसएनआरएनए 18S आरआरएनए 28S आरआरएनए या एसएनआरएनए, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो किसको इनपुट करेगा, जो एचएनआरएनए है उसको, और ये सर अपने बताया था टाइप बताए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट लेक्चर में कौन-कौन से आरएनए, मेरे ख्याल से हो जाएगा, और यहां से क्वेश्चन भी आते हैं इसलिए इसको वापस रिपीट कर दिया। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, निम्न कथनों को पढ़िए विकल्प चयन कीजिए, RNA polymerase associate transitionally with rho factor for initiate transcription, initiate करने के लिए rho factor नहीं आता, sigma factor यहाँ पे आता है। Statement क्या हो गया? Wrong हो गया। Incorrect। In bacteria, transcription and translation take place in the
सेम कंपार्टमेंट बिल्कुल सही है भाई, वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, दोनों प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है और ये कैरेक्टर भी प्रोकैरियोट का है, कोर ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन जो है वो प्रोकैरियोट में देखने को मिलेगा। उसके भी वहां एनसीईआरटी में रीजन भी दे रखे हैं कि ऐसा क्यों होगा। पहला रीजन तो है कि वहां पर जैसा सर ने बताया वहां पर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में कोई सेपरेशन नहीं है। दूसरा, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो डायरेक्ट कौन बनता है, एमआरएनए, उसमें इंट्रोन है नहीं, तो डायरेक्टली जैसे एमआरएनए बनेगा तो ट्रांसलेशन को वहीं स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गए, स्पेशली क्या है, सेम साइट पे और टाइम टेम्पोरली बोलेंगे तो सेम टाइम में होंगे, तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट होगी, तो स्टेटमेंट ये करेक्ट है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए यहां पे नहीं है, करेक्ट हो गया, ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से होता है। व्हेन एचएनआरएनए अंडरगोस कैपिंग प्रोसेस एडेनिन रेसिड्यूज आर एडेड एट द 3 डेज एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, ये अपने पास रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। बिल्कुल, यहाँ एक तरफ तो ये बोल रहा है कैपिंग, कैपिंग बिल्कुल, तो कैपिंग में जो है अभी बताया था थोड़ी देर पहले 5 डेसेंट पर होता है, लेकिन 3 डेसेंट पर यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर एडेनेटेड ग्रुप नहीं जुड़ेंगे, तो ये स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट से भी घुमा देता है वो, इस तरह के स्टेटमेंट देखे तो यहाँ पर वापस इनकरेक्ट हो गया। एचएनआरएनए इज द प्रोडक्ट ऑफ एमआरएनए, ये यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है, बल्कि जो एमआरएनए है वो प्रोडक्ट किसका होता है, एचएनआरएनए का होता है। बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, सेकंड ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट था, ये सही था, ये सही था, ये आपका है इनकरेक्ट है, और ये भी क्या है, इनकरेक्ट। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बिल्कुल, द इंड्यूसर फॉर स्विचिंग ऑन ऑफ द लैकोपेरोन इन बैक्टीरिया इज प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, तो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज अपने पास में है, लैक्टोज ही क्या करेगा उसको, ऑपेरोन कौन कर देगा। बिल्कुल, इसने बोला नंबर ऑफ बैक्टीरिया कोई मतलब नहीं, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इन द बैक्टीरिया वो रेगुलेशन में हेल्प नहीं करती है, प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज ये कभी नहीं होगा, सिंपल है लैक्टोज, तो बार बार वही कॉन्सेप्ट वही क्लियर हो रहा है, लैक्टोज होता है इंड्यूसर, सीधी सी बात है, जो क्या करेगा उसको स्विच ऑन करवाएगा। कॉन्सेप्ट एक है, बस लैंग्वेज आपको अलग लगता है। बिल्कुल, लैंग्वेज से कई बार क्या है बच्चे लैंग्वेज घुमाते ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए बार बार आपको प्रैक्टिस ये करवाई जाती है कि भाई आप क्वेश्चन जो है किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, और वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, Which codon is not an indicator of completion of protein synthesis? तो अपने पास में UAG, UAA, UGS सारे stop codon है, बस यहाँ पर ये अपने पास में start codon है। Start, ये start जो है initiation को indicate करेगी, बाकी तीन जो है वो completion को indicate करेगी। Next, the sequence of bases in the coding strand of a double stranded DNA is 5 days GTTC, GA, GTC 3 days. Then the sequence of bases in its transcript will be, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन अपने पास में है, इसमें देखा अपने कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग के बारे में कोडिंग और जो बनने वाला आरएनए है सेम ही होता है, बस जहाँ पे थायमिन है वहाँ पे म्यूटेशन कर देते हैं। बिल्कुल, इसमें ये शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपने ताकि दिमाग ना लगाएं, कोडिंग स्ट्रैंड के तो सेम होता है और अगर टेम्पलेट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो सीधा कोडिंग दिया है तो अपन क्या करेंगे सेम सीक्वेंस बनाएंगे, लेकिन टी की जगह यूरेसिल चिपका दो, तो यहाँ देख लो 5-3 में सेम बोले तो जी, यहाँ पर यू यू सी जी ए जी ये यू आ जाएगा यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से थर्ड सही है। देखो सेम सीक्वेंस है, आप चेक कर लेना, बिल्कुल दोनों क्या है सेम है, बट यहाँ थायमिन है, यहाँ पर क्या है यूरेसिल है, लेकिन वो टेम्पलेट दे दे तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री पे जाना पड़ेगा, अगर टेम्पलेट होता वो तो बिल्कुल उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपको डिजाइन करना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखा है, पूछता भी रहता है इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट, द रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस that provides binding site for RNA polymerase is terminator, structural gene, origin या promoter. तो RNA polymerase जो है वो अटैच कहाँ पे होगा, अपन कह सकते हैं promoter पे, promoter पे होता है। और कई बार ऐसे दिमाग लगा ले promoter में, अगर बोल देते हैं कई बार म्यूटेशन हो गया promoter में तो obviously transcription कभी हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि म्यूटेशन अगर इसमें कर दोगे तो ये जो RNA polymerase है वो कभी भी बाइंड नहीं होगा, नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो ये म्यूटेशन के भी है, जेनेटिक्स वगैरह म्यूटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। Next, in a mutational event when adenine is replaced by guanine, it is a case of transcription, transition, transversion या frameshift mutation. ये अपने पास में कौन सा example हो गया, transition का हो गया। बिल्कुल, यहाँ पर ये दो केस होते हैं, बड़े सिंपल है, कई बार ये यहाँ डाल दिया क्वेश्चन। जो म्यूटेशन है उसमें जो पॉइंट म्यूटेशन होता है इसमें कोई एक जो बेस है वो चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर दो केस होते हैं, एक तो होता है ट्रांजिशन जैसे सर ने बताया अभी ट्रांजिशन, और दूसरा केस होता है ट्रांस वर्जन, या ट्रांस वर्जन भी ऑप्शन में, तो ट्रांजिशन इतना याद रखना आपको कोई प्यूरिन उसकी जगह पे आ जाए, पिरिमिडिन आ जाए, ये अपन कह सकते हैं इसके अंदर, ये प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन एंड पिरिमिडिन रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडिन, तो पक्का क्या बोलोगे उसको ट्रांजिशन। और ट्रांस वर्जन में क्या होगा, मान लो पिरिमिडिन है उसकी जगह पे कोई प्यूरिन आ गया, तो यहाँ होगा
ट्रांस वर्जन, इसीलिए इसने नाम दिया ट्रांस वर्जन, उसमें पूरा वर्जन चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, प्योरिन पिरिमिडिन आपस में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर वैसे पूछ लेता कि पहले ए था, अब ए की जगह जो है वो आ गया जी, तो ऑब्वियसली प्यूरिन की जगह प्यूरिन आया, तो ट्रांस ट्रांजिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। मान लो पहले ए था, अब इसकी जगह पे आ गया आपका टी आ गया, तो यहाँ पर क्या बोल दोगे उसको, ट्रांसवर्जन। तो यहाँ से रिलेटेड सारी बातें अपन ने बता दी है कि कोई भी क्वेश्चन पूछे किस तरह से, तो आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। नेक्स्ट, व्हिच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ सेल इन व्हिच देयर इज साइलेंट म्यूटेशन, यहाँ पे म्यूटेशन वो है साइलेंट है, बिल्कुल, इन द लेक वाई जीन। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वाई जीन में साइलेंट म्यूटेशन है तो यहाँ पर जो लेक ऑपरेटर अपना काम करेगा, सारे एंजाइम यहाँ बन जाएंगे, चाहे तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज हो, चाहे लैक्टोस्पर्मीज हो, चाहे ट्रांसेस्टरेज हो। बिल्कुल, ये थोड़ा म्यूटेशन से कोरिलेट कर दिया लेक ऑपरेटर को, और म्यूटेशन से रिलेटेड भी इनको क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे। जैसे अभी आपने बताया जेड है, ये वाई है और ये है, तो मान लो जेड में साइलेंट म्यूटेशन हो गया, ऑब्वियसली साइलेंट म्यूटेशन, अब आपको पता होना चाहिए साइलेंट म्यूटेशन हो गया तो पॉलीपेप्टाइड पे कोई चेंज नहीं होता, बिल्कुल, तो म्यूटेशन क्या है साइलेंट, पॉलीपेप्टाइड पे कोई चेंज नहीं होगा, तो ऑब्वियसली तीनों बनेंगे, तीनों का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर जेड में मान लो फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन हो जाए, तो ऑब्वियसली फ्रेमशिफ्ट हो गया तो कोई नहीं बनेगा सर, बिल्कुल, क्योंकि फ्रेमशिफ्ट में ये भी चेंज हो गया और आगे की पूरी फ्रेम क्या होती है चेंज होती है। अगर जेड में फ्रेमशिफ्ट हो गया तो ना तो बीटा गैलेक्टोसाइडस बनेगा, ना परमेज बनेगा और ना ही ट्रांस एसाइलेंट। अगर वो बोल दे कि फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन जो है वो हुआ है वाई में, तो वाई में फ्रेमशिफ्ट हो गया तो जेड तो बन जाएगा, लेकिन जो आपका परमेज और ट्रांस का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से भी आपको दिमाग लगाना है कि वो म्यूटेशन किस में बोल रहा है और कौन से टाइप का म्यूटेशन जो है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल है, साइलेंट म्यूटेशन होगा तो वाई जीन शांत उत्परिवर्तन कौन सा एंजाइम उत्पन्न होगा, तो फिर तो सारे उत्पन्न होंगे क्योंकि यहाँ म्यूटेशन कौन सा साइलेंट है। नेक्स्ट, एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना, और यहाँ पर एंजाइम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल, जिसको हम बोल सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये अपने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, बिल्कुल, ये आपका जो प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है टेमिनिज्म, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो सबसे पहले बताया था टेमिन एंड बाल्टीमोर में, तो इसको टेमिनिज्म बोला जाता है। और यहाँ पर जो एंजाइम है सर वो भी इम्पोर्टेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और इस डीएनए को बोलते हैं सीडीएनए, कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन कई बार एग्जाम में आ जाती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोडोन इज ए चेन टर्मिनेटर कोडोन। तो यहाँ पे टर्मिनेटर कौन सा हो गया, लास्ट हो गया यूएजी, बिल्कुल सिंपल स्टॉप कोडोन है, बिल्कुल। तो यहाँ अपन ने मॉलिक्यूलर के जो भी क्वेश्चंस थे सारे कवर कर लिए, बिल्कुल। और मेरा मानना है कि सर अपने लोग लगभग सारे टॉपिक कवर किए हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि चैप्टर छोटा है, है ना, आपको लगेगा कि क्वेश्चंस कम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर क्या है छोटा है, तो आपने एक चैप्टर से तीन पीपीटी बना दी है, तीन गुरुनीति बना दी है। कई बार लगता है कि क्वेश्चन करना क्वेश्चन कम नहीं है, एक चैप्टर से तीन गुरुनीति काफी हो जाती है, अपने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो लपेट लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपन दो गुरुनीति और देंगे, जिसके अंदर एक तो बायोमोलिक्यूल और दूसरे में बायोमोलिक्यूल के साथ साथ कुछ क्वेश्चन और बचेंगे, तो अपन मॉलिक्यूलर के जो और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको भी ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे, क्योंकि उनका आपस में भी क्या है भाई कॉन्टेक्ट है, तो दोनों को मिक्स करके बना देंगे। तो मेरे ख्याल से सर मॉलिक्यूलर और बायोमोलिक्यूल में पांच गुरुनीति मोर देन सफिशिएंट, पांच सीरीज से वाला क्वेश्चन आपका जाएगा, मतलब ही नहीं है क्वेश्चन बाहर जाने का, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ जो आप समझ रहे हो उनको रिवीजन तो करना पड़ेगा, रिवीजन के बाद जो है कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, एनसीईआरटी को रीड करना पड़ेगा, तब जाके आपके क्वेश्चन सारे बनेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो कुछ बच्चों के लिए, बिल्कुल, तो बच्चों अब अगला जो अपना सीरीज होगा उसमें बायोमोलिक्यूल आएगा, तो बायोमोलिक्यूल जो है इसको आप बिल्कुल लाइन टू लाइन आप एनसीईआरटी से पढ़ के तैयार रखिए, ताकि जब हम बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन करें उस टाइम पे आप काफी इजीली क्वेश्चन के साथ में इंटरेक्ट हो पाओ, ठीक है, और अच्छे तरीके से आप एनसीईआरटी को पढ़ो। अगली जो सीरीज है उसमें मिलते हैं, थैंक यू।